कांग्रेस थेमे से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी अहम रणनीतियां बना रही है। बात की जाए रायबरेली सीट के बारे में, गांधी परिवार का गढ़ कही जाती है रायबरेली सीट, जहां से सांसद हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी। लंबे वक्त से अटकलें तेज हैं कि सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन अब बड़ी खबर ये आई है कि सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती हैं। जी हां, कांग्रेस के अंदर खाने में ये कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य की वजह से चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी, वहीं रायबरेली से महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जा सकता है। वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर ये खबरें आई कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच अब राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। दावे किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ सकते हैं, और दूसरी ही तरफ सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं लोकसभा सीट रायबरेली से। स्थानीय कार्यकर्ता बूथवार तैयारी में जुट चुके हैं, वे सोनिया गांधी के नाम पर प्रचार की तैयारियां भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे में देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जिस तरह से अटकलें तेज हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से मैदान में उतर सकती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ पार्टी के सूत्रों का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व प्रियंका गांधी के लिए प्रदेश की 5 सीटों पर होमवर्क कर रहा है। वाराणसी, फूलपुर, प्रयागराज और इसके अलावा 2 अन्य सीटों की तलाश में वह जुटे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अपने ही गढ़ में किस तरह से गांधी परिवार इस बार जीत हासिल कर पाता है या फिर नहीं, क्योंकि रायबरेली के साथ साथ अमेठी भी गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 2019 में राहुल गांधी ने यहां से हार का सामना किया। स्मृति ईरानी यहां से जीत हासिल करती हुई नजर आई। अब देखते हैं क्या वाकई में सोनिया गांधी यहां से मैदान में उतरती हैं, और अगर उतरती हैं क्या यहां पर वह जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, क्योंकि दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह दावा किया गया है कि बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है रायबरेली लोकसभा सीट से। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।